नमस्कार दोस्तों, रीना की रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोयाबीन की कोफ्ता। लेकिन दोस्तों आपने खाया तो बहुत होगा ढाबा स्टाइल में, लेकिन मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल से भी अलग है। दोस्तों आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने सोयाबीन लिया है 100 से 150 ग्राम और इसे 10 मिनट पहले गर्म पानी में फूलने के लिए डाल दिया था। अगर 10 मिनट पहले डालेंगे दोस्तों तो सोयाबीन आपका अच्छे से फूल जाएगा। देखिए कितना अच्छा से फूल गया मेरा सोयाबीन। अब दोस्तों मैं सोयाबीन को इस तरह से हाथों पर रख कर इसका पानी पूरी तरह से निचोड़ दूंगी। इस तरह से सारे सोयाबीन का पानी मैं निचोड़ कर एक साइड रख दूंगी। चलिए दोस्तों मैंने पानी तो निचोड़ लिया है सोयाबीन का, अब मैं इसे एक जार में डालकर इसे मैं पीसूंगी। देखिए दोस्तों मैंने सोयाबीन को पीस लिया है, अब मैं इसे एक कटोरा में निकाल लूंगी। दोस्तों मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था, दो आलू को मैंने दो टुकड़ा करके डाला था ताकि जल्दी सीज जाए। अब चलिए दोस्तों मैं कद्दूकस करके इसमें आलू ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। दोस्तों अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आलू और सोयाबीन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी। बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही डालें क्योंकि एक ही बार ज़्यादा बेसन नहीं डालें, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन पहले डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। दोस्तों चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया और कढ़ाई मेरा गर्म है और तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर भूनूंगी। 2 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था इस तरह से कटा हुआ और 2 मीडियम साइज का टमाटर इस तरह से कटा हुआ। अब मैं दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसे 2 से 3 मिनट भूने, पूरा ब्राउन नहीं भूनना है दोस्तों, बस इसे हल्का ही भूनना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ टमाटर और इसे मैं ढककर भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। दोस्तों जब तक प्याज और टमाटर फ्राई हो रहा है तब तक मैं सोयाबीन का कोफ्ता का गोली बना लेती हूँ। ऐसे मैदा पहले हाथों पर मैदा लगाएं ताकि आपका गोला चिपके नहीं, और इस तरह से गोला बनाएं और इसे अच्छी तरह से मैदा में इस तरह से लपेटें ताकि आपका सोयाबीन का कोफ्ता फैलेगा नहीं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैदा लगा कर इसे गोल गोल करें और हल्का इसे चपटा कर दें तो आपका कोफ्ता का शेप में आ जाएगा। बाकी गोला को भी दोस्तों इसी तरह से गोल करके इसे हल्का चपटा कर दें। सोयाबीन का कोफ्ता बनाने के लिए हमेशा जब भी बनाए हाथों पर इस तरह से मैदा लगाकर और तब इसे मैदा में अच्छी तरह से लपेटें और फिर उसके बाद सोयाबीन कोफ्ता को इस तरह से हल्का हाथ से दबा दें। देखिए दोस्तों मेरा प्याज और टमाटर बिल्कुल गल चुका है, ब्राउन हो चुका है। मैं चूल्हा को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी सोयाबीन का गोली तलने के लिए। सोयाबीन का कोफ्ता का गोला इस तरह से डालें एक एक करके। देखिए दोस्तों जब भी आप सोयाबीन का कोफ्ता बनाएं तो उसका गोला जब भी डालें तो एक एक करके डालें और इसे 2-3 सेकेंड के बाद ही पलटें। धीरे धीरे पलटें तो टूटेगा नहीं और ना ही फैलेगा। देखिए कितना फुला फुला सा है सोयाबीन का कोफ्ता, इसका जब बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार होगा। आज को दोस्तों हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसे ब्राउन होने तक तलें। देखिए दोस्तों मेरा सोयाबीन का गोला बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए दोस्तों मेरा सोयाबीन का गोला बिल्कुल रेडी है। चलिए दोस्तों अब मैं ग्रेवी बनाती हूँ इसकी। देखिए दोस्तों मेरा प्याज और टमाटर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे जार में डालकर इसका पेस्ट बना लूंगी। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म है, अब मैं इसमें डालूंगी सरसों तेल 2 से 3 चम्मच, 1/2 चम्मच इसमें डाले जीरा। जीरा जब पलट जाएंगे दोस्तों तब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोस्तों अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला। अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसे ब्राउन होने तक भूनना है दोस्तों।
दोस्तों इसे मीडियम फ्लेम पर भूने। जब आपका मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो समझ जाइए कि आपका मसाला भून चुका है। देखिए दोस्तों मेरा मसाला ब्राउन हो चुका है और मेरा मसाला तेल भी छोड़ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, इस तरह से हाथों पर क्रश करके, और इसमें मैं डालूंगी 2 बड़ा चम्मच क्रीम। आप चाहे तो इसमें मलाई भी घर का डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग ही डालें दोस्तों, जितना आपको डालना हो। ग्रेवी अगर गाढ़ी रखें तो गाढ़ी के हिसाब से डालें, और पतला बनाना हो तो उस हिसाब से डालें। इसे दोस्तों उबाल आने तक मैं छोड़ देती हूँ। इसमें एक उबाल आ जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन के पकौड़े। देखिए दोस्तों इसमें एक उबाल आ चुका है 2 से 4 मिनट में। अब मैं इसमें डाल दूँगी सोयाबीन का कोफ्ता। बस इसे 1 से 2 मिनट ही पकाना है। अब इसके ऊपर डाल देती हूँ धनिया का पत्ती और 1 से 2 मिनट में चूल्हा बंद कर दूँगी। देखिए दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुका है, मैं चूल्हा को बंद कर देती हूँ। मेरा सोयाबीन का कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा सोयाबीन का कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, ढाबा जैसा। आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा सोयाबीन का कोफ्ता कैसा लगा। दोस्तों ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से बनता है। आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं खाकर बताती हूँ कि मेरा सोयाबीन का कोफ्ता कैसा बना है। दोस्तों सब लोग खाते हैं अपने लिए और मैं खाती हूँ आपके लिए। बहुत ही बढ़िया बनी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार। दोस्तों आप ही इसे घर में ट्राई करें। और दोस्तों अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे सोयाबीन कोफ्ता का, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजा दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।